सोशल मीडिया पे। लॉर्ड तुम तैयारी कर लो, ये ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन करने वाले हैं, तो भी सब तैयारी हो जाए, सारे सब तैयार हो। अच्छा जी दूसरा, अच्छा ये हमारी सोशल मीडिया की टीम वेस्ट पंजाब, इनको गलत फहमी है, न्यूट्रल्स को गलत फहमी है कि सोशल मीडिया अगर वो थोड़े लोग पकड़ लेंगे तो सोशल मीडिया में ये बच जाएंगे। कोई बच नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। और बिहारी जी, बिहारी शाबाश। और दूसरा वाला, गुजरांवाला ने वैसे बड़ा कमाल हमारी मार्च के अंदर जबरदस्त शिरकत की थी। उसके बाद पिशावर, पिशावर मुझे कमजोर नजर आ रहा है। पिशावर में मेरे भाई में कोई जुनून खत्म होता जा रहा है पिशावर में। तो और मर्दान, हाँ मर्दान में मुझे थोड़ी जान नजर आ रही है, शाबाश मर्दान। आगे उधर स्वाबी, स्वाबी जी, स्वाबी चुनियोट, चुनियोट के लोग, चुनियोट ओके ओके चुनियोट। इनके पीछे पिंडी है, पिंडी। वैसे पिंडी अभी तक आपकी परफॉर्मेंस हो नहीं जो मैं चाहता हूँ, तैयारी कर लो इनकी छुट्टियों में ऑपरेशन के लिए, मैं चेक करूंगा किसने कितनी जान है। और अटक, शाबाश अटक, शाबाश। अच्छा जी आप अपनी बात शुरू करने से पहले स्वाबी हो गया, डॉक्टर हो गया स्वाबी, बैठ जाओ। अच्छा मैं एक नौजवान को बुलाना चाहता हूँ, एक नौजवान को बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम है इब्तिसाम। इब्तिसाम इधर आ जाओ। ये अब ये सुनो, जरा इसको देख लो, ये देखो चुप करके जरा इस नौजवान को देखो। अगर ये वो जो मुझे कत्ल करने के लिए जिसको तैयार किया था, जो नवीद जो जिसको तैयार किया गया था मुझे कत्ल करने के लिए, और दो और बैठे हुए थे बंदूकों वाले, अगर ये इब्तिसाम उसके ऊपर आखिरी मिनट पे हाथ ना रखता, उसकी हाथ के ऊपर जब उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी, तो जो गोलियां इसकी वजह से टांग पे लगी वो सारे ऊपर जिस्म पे लगी थी। तो ये साथ भी ये मेरी जान बचाई है, मेरी नहीं, और भी जितने सुनो सुनो और भी जितने ऊपर कंटेनर में 11 लोगों को गोलियां लगी, सारों को नीचे गोलियां लगी, क्योंकि इसकी हाथ की वजह से उसकी बंदूक नीचे गई और गोलियां हम सबके नीचे लगी। नहीं तो अल्लाह को क्या मंजूर था, लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से हमारी जानें बचानी थी। तो मैं आज इब्तिसाम तुम्हें वो शख्स समझता हूं। देखे दुनिया में जब भी आम इस तरह के हालात के अंदर कोई बंदूक निकालता है तो लोग भाग जाते हैं, आप कहीं भी देख लें लोग भाग अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि लोग नहाते होते हैं तो बंदूक जिसके हाथ में होती है लोग डरते हैं। तो ये नौजवान ने बंदूक देखते हुए जो इसने किया है, ये मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगा और इसको कौम को भी हमेशा याद रखूंगा। अच्छा जी आप बैठे, अच्छा जी आप, मैंने आपको इस रमजान के जो एक ऐसा वक्त होता है इबादत का वक्त होता है, इसका मकसद क्या होता है इबादत का, अल्लाह से करीब होना। अल्लाह क्यों हमें कहता है पांच वक्त नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि सारा वक्त याद रखो कि सब कुछ दुनिया में उसकी वजह से होता है, उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सारी चीजें उसकी मर्जी से होती हैं। तो जितना आप अल्लाह से अपना रिश्ता करीब करते हैं, ये नौजवानों मेरी बात सुन लो, उतनी आपकी जिंदगी आसान होती है। हमें ये बड़ी गलत फहमी होती है
कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है। ये जो तकब्बुर है इसको अल्लाह सबसे बुरी इंसान की सलाहियत समझता है, क्योंकि तकब्बुर का मतलब यह होता है कि आप अगर जीतते हैं तो आप समझते हैं मैं जीता हूं, आप अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं जीत सकते। मैं खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ 20 साल अपनी जिंदगी में खेला, और जितना मैं खेलता गया मुझे इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया कि इंसान जितनी मेहनत भी करे, जितनी कोशिश भी करे, जितनी भी इंसान कोशिश कर ले वो एक लेवल से ऊपर वो नहीं जा सकता। उसके बाद अल्लाह की मर्जी आ जाती है। इंसान मेहनत करता है, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता था, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं बैटिंग दोनों करता था, बैटिंग भी करता था बॉलिंग भी करता था, तो बाकी खिलाड़ियों से दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब मैं अपने अरूज पे भी पहुंच गया अपनी सलाहियतों के सबसे ऊपर, तो तब भी मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि मैं जितना भी कर लू एक सदा के बाद मेरे हाथ से फिर गेम चली जाती थी। मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारा था लाहौर में सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का 87 सेमीफाइनल, पाकिस्तान फेवरेट थी वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, सबका ख्याल था कि पाकिस्तान सबसे फेवरेट टीम थी। तो मैं हम सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंच गए, हमने वो वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया जो उस वक्त की सबसे बड़ी सबसे ताकतवर टीम थी। अब सेमीफाइनल के मैच से पहले मैं अब रात को सोच रहा हूं और कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, मैं कहा अगर वो ये करेंगे तो मैं ये करूंगा। मैं सारी ऑस्ट्रेलियन टीम को जानता था क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल के आया था, उनकी लीग शेफील्ड शील्ड खेल के आया था, तो मैं उनके सारे खिलाड़ियों को जानता था। तो मैं सोने से पहले अपने जेहन पे एक्सरसाइज कर रहा था कि जो भी वो अगर वो ये मूव करते हैं तो मेरे पास ये खिलाड़ी है, अगर वो ये करते हैं तो मैं ये करूंगा। तो सोने से पहले मैं इस नतीजे पे आ गया कि वो जो भी करें तो मैं उनको हरा दूंगा। यानी मैं इस नतीजे पे सुने आप तो मैं टेक्निकली मैंने हर चीज सोची कि मैंने कहा ये कैसे जीत सकते हैं। तो मैं जेहन में सारी जब उनकी मैंने ताकत कमजोरी अपनी टीम जो विकेट थी लाहौर की विकेट थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह उस विकेट का पता था कि वो कैसे खेलती है, तो सारा कुछ जायजा लेके मैं रात को सोने से पहले आखिरी मेरी सोच थी कि ये हमें अब हरा नहीं सकते क्योंकि हम हर तरह इनके ऊपर हावी हो गए। अब ये सुने अगले दिन क्या होता है। अगले दिन जाते हैं मैच से पहले जो एक मेरा खिलाड़ी होता है उसको इंजरी हो जाती है, अब ये मेरे हाथ में नहीं था। उसके बाद जब मैच शुरू होता है तो एक उसके बीच में दो खिलाड़ियों की इंजरीज हो जाती है, अब ये भी नहीं मैंने सोचा था। हमारे विकेट कीपर के गेंद लगती है, वो बेचारा बाहर चला जाता है, जो दूसरा विकेट उसकी जगह मियादाद करता है वो कैच ड्रॉप भी कर देता है, 22 भी दे देता है। फिर जो हमारा स्पिनर होता है उसकी गेंद पे उंगली पे गेंद लगती है, उसकी उंगली टूट जाती है, वो ना बैटिंग कर सकता ना बॉलिंग कर सकता, ये भी नहीं मैंने सोचा था। उसके बाद उनका जो दो न्यूट्रल टॉप अंपायर होते हैं वो उनकी एक ऐसा फैसला करता है, यानी जिस बैट्समैन को आउट देना होता है वो नहीं आउट देता, दूसरे को गलत फैसला कर देता है, वो हमें और नुकसान हो जाता है 17-18 रन का। फिर जब हम बैटिंग कर रहे हैं, जब जीतने वाले पोजिशन में पहुंचते हैं तो वो अंपायर मुझे उस टाइम पे आउट देता है कि जिस वक्त हम जीतने वाली पोजीशन में आ गए थे, अब वो भी नहीं मैंने सोचा था। तो कहने और वो हम मैच 14 या 17 रन से हार जाते। अब मैं कहने की आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि इससे सबक ये मिलता है आपको कि इंसान जो भी कर लेता है आखिर में वो चीजें जो आपके हाथ में ही नहीं होती वो अल्लाह के हाथ में होती। फिर अब आगे चलो,
ये था 87 उससे अगला वर्ल्ड कप खेलते हैं जो मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था। अब सेमीफाइनल मैच हो रहा होता है, ये सुने जरा गौर से, न्यूजीलैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल का मैच हो रहा होता है। वहां का कानून तब था कि अगर आप दूसरी बैटिंग कर रहे हो और बारिश हो जाए तो मैच आप हार जाते थे, वो कानून ही जीत सा था। तो हम दूसरे बैटिंग कर रहे हैं, घने बादल आए हुए, सिर्फ 5 मिनट बारिश होनी थी और मैच खत्म, हम हार गए थे। तो वो जैसे जैसे हम जीतना शुरू किया तो सारा जो भरा हुआ था स्टेडियम, न्यूजीलैंड में मैच था, सारे बस पान की तरफ देख रहे कि अब बारिश शुरू हो गई। वो थोड़ी सी बूंदाबांदी होती थी वो अंपायर जाता था बाहर निकलने के, बारिश रुक जाती थी, फिर वो थोड़ी सी बूंद मारता, फिर वो कहता था बाहर जा, सारा क्राउड दुआएं कर रहा था कि अब बारिश हो, तो वो बारिश नहीं होती थी। 15 मिनट मैच के बाद बारिश शुरू हुई और 1.5 दिन बारिश चली। कहने का मतलब यह है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, तो इसी जो आप तकबर करते ना कि मैं जीता हूं, ये अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई जीत नहीं सकता, इसलिए तकबर। एक मिनट सुने, देखिए, अब सारे कहते हैं कि जनाब सारी जमातें आपके खिलाफ हैं, आज इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है और जो न्यूट्रल है वो भी आपके खिलाफ है, न्यूट्रल नहीं है, सब ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने इलेक्शन में धांधली भी करनी है, इन्होंने आपको जीतने भी देना, और पकड़ दकड़ हो रही है इस वक्त, जो तहरीक इंसाफ का कोई सामने आता है उसको पकड़ी जेल में डाल देते हैं। 3,000 हमारे 3,000 कारकुनों को जेलों में डाल दिया, खौफ फैलाया हुआ है कि अभी जनाब ये ईद के ऊपर इमरान के घर की छुट्टियों पे या हमला फिर से करने वाले हैं वो। सुने कुछ और अब ऊपर से सुने तो सही, और ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान के ऊपर कांटा डाल दिया है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि ऊपर सबसे बड़ी सुपर पावर बैठी हुई है। वो जब वो आपके साथ खड़ा हो जाता है तो कोई दुनिया की ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। जब जंगे बदर 313 मुसलमान हर्ब के पास तलवार नहीं थी, कई उन्हें डंडे पकड़े हुए थे जंगे बदर में, ये सुन लो, उनके 1,000 फौजी ऊपर से घोड़े को भी सवार, जदीद हथियार 1,000, तो किसने समझा था कि वो जीत जाएंगे। जंगे खंदक में 10,000 फौज लेके आए, मुसलमान थोड़े से थे, और जैसे मुसलमान अल्लाह ने उनको वहां से बचाया एक आंध, तो वो भी ये समझ रहे थे मक्का के कुरैश की, अब ये हरा देंगे हम इनको। ऐसी आंधी चलती है, ऐसी ठंडी हवा चलती है कि वो सारी की सारी फौज पसपा होकर वापस चली जाती है। तो ये याद रखिए कि अल्लाह भी है, ये हमें गलत फहमी है, सिर्फ ऊपर वाला आपसे चाहता है कि उस पर ईमान रखो। इया का नाबदो वैया नस्ताईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तेरे से मदद मांगते हैं। अच्छा, और अब सुनो मेरी बात, सुने 5 मिनट रह गए, उसके बाद हमने दुआ कर दी है। अब मैं आपको एक बात आखिर में बात करता हूं, देखो मेरे नौजवानों, ये याद रखना कि अभी इसने जो शुरू में अल्लाह का कलाम पढ़ा था, नजम ने जो भी आपसे पढ़ा था,
कि मैं क्या जरा था और मुझे उठा के अल्लाह ने आफ्ताब बना दिया या आफ्ताब के उस यानी उस अरूज पे ले गया। इसका मतलब क्या है कि आपने सब ने एक चीज सीखनी है, मेरे से एक चीज सिर्फ सीखो कि मैं सिर्फ कामयाब एक वजह से हुआ इधर तक जो पहुंचा हूं, एक वजह से, क्योंकि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैंने कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की, कभी कभी सुने मैंने ईमान सुने सुने मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में जब आ गया तो मैंने कभी किसी को इस ये नहीं समझा कि उसके सामने मैं झुकूंगा या उस अपने जमीर का सौदा करूंगा। ये याद रखे, जब आप अपने जमीर का सौदा करते हैं पैसे से या खौफ की वजह से तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ जाते हैं। अल्लाह हक है, जब आप राय हक से उतरते हैं तो आप अपना जमीर का सौदा करते हैं, आप शिर्क करते हैं, मेरी नजर में आप शिर्क करते हैं और वो इंसान को छोटा इंसान बना देता है। बस अभी दो मिनट रह गए, जब आप इसका मतलब समझ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक फलसफा है जिसने वो मदीना के उन लोगों को, अरबों को जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, उनको उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करके दुनिया की इमामत करवाई। ये तारीख का हिस्सा है कि दो सुपर पावर्स चंद सालों के अंदर उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि पावर है ला इलाहा इल्लल्लाह में। आपने समझना है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और लोगों के सामने झुक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं है कि इसके अंदर सारा फलसफा है। और इया का नाबुद हो या का नस्ताईन, वो एक और तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के, अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो ये मैंने सिर्फ आपको सुना, मैं खत्म कर दू, सुने मेरी बात। अभी अजान होने वाली है तो हमने दुआ मांगनी है अल्लाह से, जो मैं हमेशा मेरी पाकिस्तान की ये दुआ वो आपने सबने मांगनी है, लेकिन आपने सबने ये एक चीज याद रखनी है, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक, ना जानवरों को ना फरिश्तों को इजाजत है, उनको कोई इजाजत नहीं है कि वो दो उनके रास्ते हो राय हक पे रहे या उतरे, क्योंकि फरिश्ता सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और जानवर वो अपने इंस्टिंक्ट के मुताबिक चलते हैं। उनको ये जो इंसानों को जो ताकत दिया है कि आप दो रास्ते हैं, अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमते बख्शी, उनके नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे चल, उनको नहीं दी, आपको दी है। इसका मतलब आपको अल्लाह ने वो मौका दिया है कि आप आसमान पे भी जा सकते हैं और चूटियों की तरह जमीन पे भी फिर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ऊपर जाने का राज, ऊपर की परवाज का राज है ला इलाहा इल्लल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कहते हैं मोहम्मद रसूलल्लाह, तो हम ये कहते हैं कि हम उनके रास्ते पे चलेंगे, उनका रास्ता है आपकी अजमत का रास्ता। आप जब नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा नेमते बख्शी अल्लाह ने, क्योंकि सबसे अजीम इंसान वो थे। और इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी किया, उन्होंने आसान रास्ता नहीं लिया, मुश्किल रास्ता लिया। मुश्किल रास्ता आपकी अजमत का रास्ता है, आसान रास्ता आपकी तबाही का रास्ता है। आप कुछ भी ना करें, बिस्तर में लेट जाएं, खाना पिया खाएं तो आप मर जाते हैं, आप तबाह हो जाते हैं। आप आसान रास्ता लें, क्यों ये बादशाह तबाह हुई, बादशाह क्यों तबाह हुई, क्योंकि बादशाह के जो बच्चे थे वो इतनी आराम में पले, इतनी आसान जिंदगियां थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। जमहूरियत क्यों आगे निकली, क्योंकि मेरिट के ऊपर लीडरशिप आती थी, यहां खून के ऊपर आती थी। जिस तरह आप ये बाकी जमातें देख रहे हैं, एक तरफ सिर्फ शरीफी आ सकते हैं, दूसरी तरफ भुट्टो और जरदारी आ सकते हैं, तीसरी तरफ डीजल के बच्चे आ सकते हैं, चौथी तरफ तो ये उधर से मेलू आ सकता है, उसके बाद आपको पता मेलू गफार खान के बाद मेलू आ सकते हैं। तो आपकी पार्टी में मेहनत आएगी, जो आप में से मेहनत करेगा इंशाल्लाह ऊपर आएगा। दुआ कर रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम जल्दी।
मैं बार बार पठानों के लिए एक जुमला कहता हूँ कि एक अल्लाह ने इंसान पैदा किए, दूसरे पठान पैदा किए। स्वागत करें सारे, हाथ उठाए बाहर भी, जो बाहर जो मेरे टाइगर बैठे हुए हैं सब हाथ उठाए। शाबाश। सोशल मीडिया अगर तुम्हें डरना नहीं है, कोई खौफ किसी से ना रखना, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का। अच्छा डर जरा बैठ जाओ, ये क्या? अच्छा जी, हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना। अल्लाह पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अदल और इंसाफ पैदा कर। और अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर कोई इंसान भूखा ना सोए रात को, और जो खास तौर पे यहां जो बैठे हैं, गुजरात में भी ये होता है, और मेरे ये जो हमारे पश्तून हैं और खास तौर पे कबायली वाले, कबायली इलाकों वाले, कि इनको क्योंकि वहां नौकरियां नहीं मिलती, इनको बाहर बाहर नौकरियां ढूंढने जाना पड़ता है, बीवी बच्चों से दूर, मां बाप से दूर। तो हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि अल्लाह हमारा वो पाकिस्तान बने, इतनी खुशहाली हो उस पाकिस्तान में कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन आमीन आमीन।